गुड मॉर्निंग। सो आप सभी का स्वागत है मेरी नई वीडियो में। आज हम अपने खेत के अंजीर के झाड़ों के बारे में बात करेंगे, क्योंकि मैं अभी यहाँ पे अंजीर तोड़ने आई हूँ। आज सुबह के 10 बजे हैं और करीब यहाँ पे 1 अंजीर इसको तोड़ रही हूँ। जैसे मैं आपको हर समय बताती हूँ कि हम लोग झाड़ पे फ्रूट्स रख देते हैं पक्षियों के लिए। खूब सारे पक्षी आते हैं और क्योंकि अभी उनको इतनी धूप है ना, तो उनको खाने के लिए चाहिए। सो उनके लिए सी एक ये देखिए कैसे अंजीर तोड़ा है मैंने। सो अंजीर के 10-12 झाड़ है और नीचे इसके ड्राई लीव्स का इसका पूरा बेस कवर करके रखा है, क्योंकि इतनी गर्मी है ना तो पानी देते से पानी उड़ जाता है। सो इन झाड़ों के बेस को ड्राई लीव्स से कवर करके रखा है और अंजीर अच्छा क्वालिटी है। आप देखिए, ये देखो बहुत अच्छी क्वालिटी का अंजीर है। अगेन दिस इज इस टोकरी में मैं कलेक्ट कर रही हूँ। आई शो यू, ये जो खेत का काम होता है ना, वो यदि आप प्रॉपर प्लानिंग से करो तो सुबह यदि 6 बजे आप उठ के खेत में आ जाओ, थोड़ा सा गाय को देख लो, थोड़ा सा खेत का चक्कर लगा लो, फिर आपको फैमिली के लिए ब्रेकफास्ट भी बनाना पड़ता है, उनका काम करो, लंच की तैयारी कर लो। सो लॉट्स ऑफ प्लानिंग इज़ रिक्वायर्ड। सी ये अंजीर कितना मस्त है, बेस पे भी लगते हैं नीचे से। दिस इज बेस और बेस पे भी ये लगा हुआ है। और मेरा ऐसा ऑब्जर्वेशन है कि जितना आप पक्षियों को खाने को देते हो ना, उतना अच्छा आपका जो क्रॉप है वो आता है, क्योंकि हर किसी का ब्लेसिंग तो बहुत ज़रूरी होता है। सो पक्षी भी ब्लेसिंग्स देते हैं। आज आप पानी देना पड़ेगा, आज सूख गया सब। सो कितने झाड़ है आपको बताती हूँ, कितने झाड़ है। ये पहला झाड़ छोटा है, ये झाड़ 2 साल का है, इस पर अभी आना शुरू हुआ है, सी बहुत छोटा झाड़ है। हम कलम लाते हैं और फिर कलम को जो ब्लैक कलर की बैग होती है उसमें बढ़ाते, और थोड़ा हेल्दी प्लांट होने के बाद में उसको ज़मीन में लगाते। ये कोरफड़ भी है यहाँ पे, सी इतना सा झाड़ है जी, ये तो लगता है 1 साल का ही झाड़ है, और इसमें देखो कितना बड़ा अंजीर लगा हुआ है। सो मैं इसको तोड़ लेती हूँ। इसमें कितने झाड़ है, 1, 2, 3, ये चौथा झाड़। और आप देखोगे हर झाड़ पे फ्रूट्स लगा हुआ है, मुझे अच्छा लगता है। सो ये देखो, लेकिन ये जो दिख रहे हैं ना, ये 2-3 दिन के बाद में तोड़ने वाली, क्योंकि थोड़े हरे हैं और अभी आज के लिए, आज के खाने के लिए बहुत सारे। अगेन मुझे किसी ने बोला कि अंजीर बेचिए, तो ये क्रॉप ज़्यादा होगी तो फ्रूट ज़्यादा निकलेगा तो बेचने की कोशिश करेंगे। मैंने बेचना शुरू किया और फ्रूट ही नहीं तो क्या बेचेंगे। तो 1, 2, 3, 4 वो पांचवा झाड़, ये 6 सी इसमें दिखाती हूँ। ये लगे अंजीर, पका हुआ अंजीर है, ये कच्चे तो बहुत लगे हुए, इसके बेस पे भी लगा हुआ है ऐसे। सो
दिखाते हैं। सो दिस इज एक बहुत छोटा झाड़ है, 6 महीने का झाड़ है। तो आज अंजीर कलेक्शन डे, पक्षियों ने भी खाया हुआ है खूब सारा। दिखाते हैं आप पक्षी कैसे खाते हैं। सी इसको पक्षी ने खाया हुआ है तो उसको मैं वैसे ही रख देती हूँ, और भी पक्षी आके वो पूरा ख़त्म कर देते। तो एक फ्रूट 4-5 पक्षी मिलके खाते हैं। सी यहाँ पे भी खाया है। तो ये एक और झाड़ है। अभी गर्मी के दिन है तो पक्षी तो बहुत आने लगे हैं, उनको खाना नहीं मिलता है ना बाहर कहीं, और हम तो दूर रहते हैं, तो यहाँ पे जो आजू बाजू जितने भी पक्षी है वो सब आते हैं, उनका भी खाना हो जाता है, हमारी भी, हमें भी जो अंजीर खाने हैं वो खाने को मिल जाते हैं। सो ये ज़रा बड़ा है, ये 5 साल का झाड़ है। तो सी दिस इज 5 ईयर ओल्ड, और ये कितने कच्चे अंजीर लगे हुए। आप देखोगे हर डाली पे अंजीर लगे हुए। अभी ये अंजीर का मौसम ख़त्म होने के बाद में इसका फिर कटिंग कर देंगे। तो कटिंग करने के बाद में सी ये पका हुआ अंजीर अभी मैं निकालने वाली हूँ। ये पक गया है, इसको निकाल लेती हूँ। सो इतने हो गए हैं अभी तक। धूप बढ़ रही है, मुझे तो सन की एलर्जी है, उसके लिए काम तो नहीं रोक सकते ना, काम तो करना ही पड़ेगा। मेरे घर में सबको पसंद है अंजीर खाना, और ऐसे अपने घर का फ्रूट खाना तो सबको अच्छा लगता है ना। तो वो राह देखते रहते कब मैं कलेक्ट करके लाती हूँ, फिर उसको धोकर, ज़्यादा हो जाते हैं तो मैं ड्राई अंजीर कर लेती हूँ, सन ड्राई कर देती हूँ, बॉटल में भर के रख देती हूँ। ज़्यादा मिलते हैं कभी कभी, मेरे इन-लॉज को मैं पहुँचा देती हूँ, या मेरे जो रिलेटिव कोल्हापुर में रहते उन्हें दे देते हैं, यहाँ मेरे हस्बैंड के जो फ्रेंड्स, नहीं मेरे यहाँ पे कोई फ्रेंड्स नहीं है, एक है वो कराड़ में रहती है, उनसे भी बहुत दिन से कांटेक्ट नहीं हुआ है मेरा, और 2-3 फ्रेंड्स अभी बने हैं कोल्हापुर में, पर उतने ऐसे फ्रेंड्स नहीं कि जिनके घर में जाके थोड़ा टाइम स्पेंड कर लूँ, ऐसे फ्रेंड्स तो अभी नहीं बने। फ्रेंडशिप करने के लिए थोड़ा टाइम लगता है ना आपको, फ्रेंडशिप में थोड़ा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, टाइम का, नॉट मनी, टाइम का। और नए फ्रेंड्स बनाने में थोड़ा ऐसा लगता है ना कि थोड़ा टाइम लगता है, मुझे तो भी टाइम लगता है नए फ्रेंड्स बनाने में, इतनी जल्दी मेरे फ्रेंड्स नहीं बनते। फिर जो बनते हैं वो पूरे लाइफ के लिए, मतलब मुझे लगता है वो मेरे लाइफ टाइम फ्रेंड्स हैं, मतलब मैं उनसे कुछ भी बात कर सकती हूँ। अभी नहीं बने कोल्हापुर में तो नहीं, थाने में है, थाना सिटी में तो मेरे फ्रेंड्स हैं, लेकिन वो भी बहुत सारे नहीं, कम है। तो हम यहाँ पे आए हैं तो थोड़े से पेरू भी तोड़ लेते हैं, अमरूद भी तोड़ लेते हैं, कोई पका हुआ दिखता है अच्छा आज खाने के लायक वो भी तोड़ लेते हैं। ये तो नीचे गिर जाते, जैसे मैंने आपको बताया ना, ज़्यादा पक गया तो नीचे गिर जाते। सो अभी मैं साथ साथ पेरू तोड़ने भी आई हूँ, अभी मिलता है पका हुआ आज खाने के लिए, झाड़ पे पका हुआ। वैसे तो तोड़ के यदि आपने रख दिया तो 2 दिन में पक जाता है, लेकिन वैसे नहीं, आज पका हुआ ढूंढना पड़ता है, तो ढूंढती हूँ। अभी तो सब कच्चे दिख रहे हैं। सो ये पेरू पका हुआ पेरू अभी खाने के लिए मुझे ढूंढ रही हूँ मैं,
ढूंढते ढूंढते ये वीडियो यहीं ख़त्म करती हूँ। होप आपको मेरा ये जो वीडियो है ये पसंद आया होगा। हम अंजीर की बातें कर रहे थे, इन्हें पानी की ज़रूरत है। सो आज जब मैं यहाँ पे आई तो मुझे पता चला कि यस, झाड़ों को आज पानी देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि झाड़ थोड़े से सूखने लगे हैं। और ये हमारा लास्ट यहाँ का अंजीर मैं तोड़ती हूँ, और इसी के साथ ही ये वीडियो यहाँ कंप्लीट करती हूँ। सो ये अंजीर आज का, और ये आज का कलेक्शन, और ये कच्चे अंजीर। थैंक यू ऑल ऑफ यू। ये यहाँ से आपको दिख रहे होंगे सारे अंजीर। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपकी अप्रिसिएशन और आपके सजेशन के कारण मैं रोज़ वीडियो बना रही हूँ, और मुझे लगता है मैं इतनी बिजी हो गई हूँ कि मुझे पता ही नहीं चलता है कि सुबह कब होती है और शाम कब आ जाती है, और मैं इतनी थक जाती हूँ। बट दैट्स व्हाई आई एम क्रिएटिंग दीज वीडियोज़ ना, कि कुछ अच्छी तरह से अपना पूरा दिन जाए। सो थैंक यू ऑल फॉर योर सजेशंस एंड अप्रिसिएशंस, योर ब्लेसिंग्स, योर लव, योर अप्रिसिएशन, आपकी दुआएं, आपका आशीर्वाद, इन सब की मुझे बहुत ज़रूरत है मेरे चैनल को ग्रो करने के लिए। आप ऐसे ही मुझे प्यार दीजिए और मैं इतने ही अच्छे वीडियोस बनाती रहूँगी आपके लिए। टेक केयर, हैव अ नाइस डे, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ एंड बी हैप्पी ऑलवेज। थैंक यू ऑल ऑफ यू।